आज क्या बार है? सैटरडे। हाँ, सो गाइस, सैटरडे का दिन है और 7:30 हो चुके हैं सुबह के और हम दोनों निकल पड़े हैं वॉक पर। ये ही नहीं मानते है, मेरा तो हर रोज वॉक पे जाने का, मैं जाती भी हूँ, मैं तो अपना शाम को भी चले आती हूँ, कभी सुबह चलेगी तो ये हिलते हैं आज। अच्छा, अपनी ब्लॉग दी एडिटिंग कर दी सी, 6 बजे उठ गई सी मैं, मैनू सैटरडे सी, लेट भी उठ सकती सी पर मैं चलो उठ जानी, फिर बच्चे शोर मचान लग जाते हैं ना, तो कहते चल वॉक से चलिए, मैं क्या चलो 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं नहीं कहते जाना, मैं क्या जाना तो पेगा हूँ तानू। सो मैं ले आई हूँ मिस्टर शर्मा जी ने, हाँ देखो मसा मसा निकलन वाले बंदे और वो भी वॉक ते, करो मैं पता कि पूछ मैं तुम कभी लाइफ में वॉक ते गए पहला कहते मैं वॉक ते नहीं गया, मैं सैर पर जाता ही सैर पंजाबी च। दिन बहुत वधिया यार, बदल होए पे देखो ना ना। I will enjoy my walk. डैडी से बातें करते जा रहे हैं और हम साथ साथ में कर रहे हैं वॉक, मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड पे ना लोग होते ही नहीं ज़्यादातर बाहर, तो इट्स वेरी क्वाइट। घर तो 33 मिनट्स प्लस 44 सेकंड्स की वॉक हो गई है और अच्छी वॉक कर दी, 4000 के नियरली स्टेप हो गए हैं, ऊपर ही हो गए थे तो वॉक तो आ गए ऐसी। आई थिंक मेरे 4000 स्टेप हो गए प्लस, हस्बैंड थे पता नहीं क्यों 34 समथिंग हुए, थे 3200 समथिंग, आई डोंट नो इन्हें क्यों कट हुए थे मेरे के बाद, मेरे को वॉच सी, वॉच से रिकॉर्ड किया ना तो फोन च होया, बट यस काफ़ी लाइक हो गया, मतलब मेरा नियरली हाफ ऑफ द यू नो गोल फिनिश हो गया, 10,000 मैक्स कर दिया मैं, ज़्यादा हो जाते हैं ओबियसली बट बिकॉज ऑफ माई फुट प्रॉब्लम मैं थोड़ा घट वॉक कर दी, पहला तो मैं 20,000 स्टैप गए रोज़ तो कर दें बहुत ज़्यादा वॉक करती ही, बट उदा यू नो नतीजा यह निकलिया कि मेरी लत की पीड़ शुरू हो गई, सो मैं हूँ कर दी बट मैं कंट्रोल करके कर दी, आई डोंट गैट ओवर एक्साइटिड फॉर द वॉक। सो हुण वज गए आ पूरे 8, आप घर आए आ के मैं पानी पूनी पीता है तो भगवान जी की जय जय लगाई टी वी उपर, मैं जय लगा के शंकर जी का उज्जैन तो आंदा है सीधा प्रसारण होंदा है, सो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं जिदा आप काफ़ी सुनते हैं, हुण बैठे हाँ थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं एंड आफ्टर दैट मैं शावर लवांगी फिर पूजा करांगी, उस तो बाद खान पीन का देखते हैं कि प्लान है एंड शाम अज सा अज है दशहरा, सो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, सारे नु बहुत बहुत बधाई दशहरे दया। आप कि जाना अज दशहरा देख स्टैंड मोर लगता है दशहरा, पहले वेटफोर्ड सोचते पे वेटफोर्ड भी दशहरा लगता है बट गाइज उत्थे ना टिकटा सोल्ड आउट हो गई अं उ टिकट्स होंगे ने सोल्ड आउट हो गई अं इतने तुम मिल गई स्टैंड मोर इट्स श्री स्वामी नारायण टैंपल च ना, हाँ सो स्टैंड मोर स्वामी नारायण टैंपल उत्थे दशहरा फर्स्ट टाइम इन यूके असी अज दशहरा वेखन जावे, एक सानू ना रिधिमा बहुत इंसिस्ट करती है हर चीज़ लई ज़्यादातर उ पुश करती है उत्थे चलो उत्थे चलो उत्थे चलो, सो जिन्ना भी तुसी साडी आउटिंग वेखदे हो उहदे पिछे 70% रिधिमा दा हाथ हुंदा, मैनू शौक बहुत सी घूमन फिरन दा इधर दुनिया बट मैं हुण लेजी हो गई हाँ, बट रिधिमा नूं बहुत ज़्यादा हुंदा एंड साकेत सक्षम तां दे वांट टू स्टे होम मोस्ट लाइक उन्हां नूं नहीं इन्ना ज़्यादा हुंदा, उन्हां नूं अपने टीवी गेम्स एंड घर दे विच ज़्यादा कुछ रहिंदे, बट लाइक वंस इन अ वाइल जाना वीकेंड ते जाना पसंद करदे ने ओह,
सो अज दशहरा वेखन जावे तो मैं तुहानू अज सारा कुछ दिखावांगी आप किथे गए किवें होया दशहरा किदां मनाया जांदा यूके दे विच आई विल शेयर विद यू एवरीथिंग ओके सो मिलती हाँ मैं तुहानू थोड़ी देर बाद हाय गाइस हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू अभी हम जा रहे हैं खेतरी प्रवाहित करने के लिए हम पहले तो मैं गार्डन में ही प्रवाह देती थी इसको खेतरी को हमेशा ही लेकिन लास्ट टाइम से मैं पानी में ही प्रवाहित करके आती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बुरी चीज़ है जस्ट राख है और ये पौधे हैं पौधे तो मछलियाँ वगैरह खा जाते हैं जैसे जीव जंतु वगैरह तो राख पानी में मिल जाएगी तो फिर हम अभी जाएंगे वहाँ पर खेतरी प्रवाहित करने के लिए तो मैं आपको दिखाऊंगी तो इस तरफ ना हम खेतरी प्रवाहित करने आए हैं यहाँ से रास्ता है एक ये बता रहे हैं मुझे तो ये एली सी होती है एक वहाँ से निकल के हम जाएंगे और उधर जाके हम करेंगे खेतरी प्रवाहित यहाँ पर की कहते हैं नहर है कि छोटी सी नहर है वहाँ जाके हम खेतरी को प्रवाहित कर देंगे माता रानी खुशियाँ खुशियाँ दे के जाए और खुशियाँ खुशियाँ दोबारा से अगले साल लेके आए सबको अपना आशीर्वाद दे बोलो जय माता दी तो गाइस यहाँ पर खेतरी हमने प्रवाहित कर दी और पानी जो है वो ज़्यादा डीप नहीं था पानी ये बहुत ही लाइक अच्छी सी वो थी कहते हैं ना डेप्थ सी जिसमें चीज़ दिख रही थी नीचे से पानी के नीचे ना जो पौधे वगैरह होते हैं वो भी हमें सब दिख रहे थे तो इट्स फाइन इट्स वेरी नाइस टू डू इट हेयर और यहाँ की भी जो लोकेशन सी थी ना मेरे को बड़ी अच्छी लगी पुल सा बना हुआ है और नीचे ये नहर सी है जो बह रही है और हेलो तो गाइस शाम के 6 बज चले या 10 मिनट रह गए और आप जा रहे हैं दशहरा देखन दशहरा लगना है 10 मोर हैरो तो थोड़ी जी अगे है साइड पे है पता नहीं कितने हैरो दे बिल्कुल नज़दीक ही है तो 7:30 का टाइम दिता है उन्होंने रावण सड़न का रावण ओबियसली सड़ते जिम्मे तो 7:30 का टाइम दिता हुआ उत्थे होर भी चीज़ा होनगियाँ लाइक यू नो स्टॉल्स वगैरह लगे होंगे फूड के ज्वेलरी एंड स्टफ और चीज़ा भी काफ़ी कुछ होएगा मैं तुम्हें उसे जा कर दिखावगी सो वी आर ऑल सैट आपू घरों निकलिया हो गए नियरली 15 मिनट्स हो गए हैं तो आप उसे पहुँच के फिर मैं तुम दिखाई हाँ कि किस तरह का उतो का नज़ारा है तो गाइज़ तुसी देख सकते हो असी पहुँच गए हाँ जिथे दशहरा लगना उस जगह पर उस मंदिर च स्वामी नारायण मंदिर स्टैंड मोर और देख सकते हो तो जो लोग उधर जाते पे ने किसी ने साड़ी पाई किसी ने कुर्ता पजामा दे बड़े इन प्रॉपर इंडियन लोग कि मैंने बड़ा वधिया लगता बस देख देख के कि लोग दे फॉलो देयर कल्चर सो दिस इज़ वेरी नाइस थिंग कि असी बाहर रह के अपना कल्चर प्रॉपरली यू नो फॉलो करते हैं तो दैट्स हाउ असी अपने बच्चों भी टीच कर सकते हैं मंदिर च पहुँच गए हैं दोनों तरफ को तुसी देख सकते हो गड्डियां राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड्स तो गड्डियां मंदिर जा मैसिव क्राउड सी गाइज मैसिव मैं की दसा मैं सोच ही नहीं सकती सी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया सी उत्थे इन्ना रश होएगा
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਟ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਐਂਡ ਰਾਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਔਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪੂਰੀ ਡੋਲ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ, ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਡਰਾਇੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੂਨ, ਮੂਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਡੀਜੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਔਰ ਕਰਾਊਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਫੂਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਸਟੋਲ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੇਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਗਾਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਲੋਗ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਬਾਏ ਬਾਏ।